आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम टेंट में है और इसमें दोष किसी का नहीं है। दुश्मन तो दुश्मनी निभाते हैं, पर सच तो यह है कि हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। इसलिए जब भी देश में क्रांति आई है, जब भी कोई प्रेरणा सूत्र बना है, तो वो बने हैं संत सन्यासी। उन्होंने ही इस देश को दिशा दी है और वही एक परम सत्ता है कि जब तक वो बागडोर नहीं संभालेंगे, जब तक वो प्रेरणा नहीं देंगे, तब तक ये समाज चलने के इच्छुक नहीं होता। आज हम ऐसे ही एक सन्यासी के जन्मदिवस के उपलक्ष में समक्ष बैठे हैं। आपको लग रहा होगा कि मुझे क्यों बुलाया गया। स्वामी विवेकानंद जी एक सन्यासी थे, इसलिए मुझे बुलाया गया है, ये भ्रम है। मैं एक सन्यासी हूं, मुझे इसलिए बुलाया गया, ये भी आपका भ्रम है। मैं राष्ट्रवादी हूं, इसलिए बुलाया गया, ये भी एक भ्रम है। मुझे क्यों बुलाया गया है, ये बहुत ही चतुराई का विषय है, सामाजिक समरसता का विषय स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में था और उसका व्यवहारिक रूप। ये जो सामाजिक समरसता के इस विषय के आज के इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया है कि अगर राष्ट्र की रक्षा करना है, अगर आपको अपने धर्म की रक्षा करना है, अगर आपको समाज की रक्षा करना है, समाज को जोड़ना है, तो एक ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर के आइए जिसको विधर्मियों ने आतंकवादी कह दिया, जिसको विधर्मियों ने एक संकेत होता है, जो सन्यासी होते हैं भगवा वस्त्र धारण करते हैं, और वो जो सन्यासी होते हैं वो किसी भी लोभ मोह माया ममता मत्सर इस सब में ना पड़ करके जो सत्य है उसको बोलते हैं। इसलिए आपके समक्ष मुझे लाया गया है कि ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें देख लो और अपने काम में लग जाओ। मेरे बारे में शायद टीवी में आपने सुना होगा, मेरे बारे में बहुत सारे भ्रामकता जो है ना वो मीडिया ने भी परोसी थी 2008 से। विधर्मियों की सत्ता में षड्यंत्र करके एक राष्ट्र धर्मी को अंदर किया जाएगा, ये तो यथार्थ है, ये तो शाश्वत सत्य है कि विधर्मी अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाते हैं। लेकिन जो कर्तव्यशील व्यक्ति है उसकी अगर स्थिरता हो गई, उसकी अगर नैराश्यता हो गई, तो ये मान लीजिए कि उसकी उदासीनता हमारे देश को जो घात पहुंचाएगा उससे बड़ा और कोई घात नहीं हो सकता। अगर षड्यंत्रकारी षड्यंत्र में सफल होगा, इसका अर्थ है कि सज्जन लोग अभी उदासीन बैठे हुए हैं और सज्जनताओं की सज्जनता से और सज्जनताओं की उदासीनता से जब देश को किसी भी प्रकार का घात लगता है, तो वो हमारे देश को इतना आंतरिक घात पहुंचा जाता है कि उस समाज को उठने में, उस धर्म को पुनः स्थापित होने में वर्षों नहीं सदियों लग जाती है। और ऐसी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो आपके समक्ष है, ऐसी कई साध्वी, कई सन्यासी, कई क्रांतिवीर, कई योद्धाओं को अपना बलिदान देना पड़ता है। उसके बाद ये समाज ये सोचता है कि क्या अब हमारा नंबर आने वाला है, तब वो जागरण करने का प्रयास करता है। इसलिए मुझे आपके समक्ष लाया गया है। इसलिए किसी भ्रम में न रहे कि मैं बहुत अच्छी वक्ता हूं और मैं भगवाधारी हूं इसलिए आपके समक्ष लाया गया है, मैं बहुत बड़ी राष्ट्रभक्त हूं, बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो अपने भारत माँ के लिए, मेरी भारत माँ है, इसलिए मैं अपनी माँ के लिए यदि कोई कर्तव्य करती हूँ, अपने धर्म का पालन करती हूँ, अपने कर्म का पालन करती हूँ, अपनी निष्ठा का पालन करती हूँ, हम उनके प्रति आस्था रखते हैं, प्रेम रखते हैं, समर्पण रखते हैं, तो इसमें किसी का कोई एहसान नहीं करते।
मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ अपनी भारत माता के ऊपर, जरा सा विचार करके, जरा से कष्ट सह करके मैं कोई एहसान नहीं करती हूँ। इसलिए अगर आप भी करते हैं तो एहसान नहीं करेंगे और ना ही परोपकार करेंगे। आप यदि अपने भारत माँ का, अपनी माँ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो ईमानदारी से आप सच्ची संतान होने का, कर्तव्य का पालन करते हैं, आप उनकी संतान कहलाने का हक रखते हैं, आप उनकी संतान होने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। बस इतनी सी बात होती है। समक्ष बैठे हुए बुद्धिमत्ता प्राप्त किए हुए हमारे राष्ट्रभक्त लोग जो हमारे आज की भगवा यात्रा में उपस्थित हुए हैं, मातृशक्ति बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है, बच्चे बहुत ही प्रफुल्लित हैं, भगवा धारण किए हुए हैं, वीर और वीरांगनाएं अपने वेश में हैं। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जो विधर्मियों ने भगवा को आतंकवाद कहा है उसको एक बहुत बड़ी चुनौती दी गई है, और ये चुनौती किसी टेढ़े मेढ़े राज्य में नहीं दी गई, टेढ़े मेढ़े नगर में नहीं दी गई, एक सीधी में दी गई है, जिसको सीधा करने का कोई अर्थ नहीं है, वो तो सीधी बात करते हैं, इसलिए आज हम सीधी में हैं। तो सीधी में आज मैं 3 दिन से यहाँ आई हुई हूँ, मैंने 3 दिन में देखा कि वास्तव में जन जन के मन में ये बात है कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, जन जन के मन में ये बात है कि हमें कैसे भी अपने देश को संभालना है, कैसे भी हमें ये कुरीतियां मिटाना है, देश का विभाजन ना हो, देश हमारा अखंड बने, समाज हमारा अखंड बने, समाज के अखंडता से हम राष्ट्र की अखंडता तक पहुंचे, ये हमारा प्रयास है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, ये कहने के लिए एक शब्द है, लेकिन वास्तव में जब हम इसके लिए जीते हैं, जब हम इसके लिए मरते हैं, तिल तिल कर जलते हैं, उस समय आभास होता है कि हम अपनी बड़ी बड़ी प्रसन्नता होती है। दुश्मन क्या जानेंगे इस बात को, विधर्मी क्या जानेंगे इस बात को, देशद्रोही क्या जानेंगे इस बात को कि अपने राष्ट्र के लिए जब हम तिल तिल कर जलते हैं, क्षण क्षण मरते हैं, और तुम कष्ट देते हो और हम हंसकर सहते हैं, उसका सुख क्या होता है। उन्हें लगता है कि हम इन्हें मार लेंगे, पीट लेंगे, ठोक देंगे, काट देंगे, चीड़ देंगे, ये मर जाएंगे, राष्ट्रभक्ति अपने मन से निकाल देंगे, और हमारे जो क्रांतिवीर हुए हैं, जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली है, उन क्रांतिकारियों का भी उन्होंने यही हश्र किया है, उन क्रांतिकारियों को भी उन्होंने ऐसे ही दंड दिए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि क्रांतिकारियों को शरीर से ज्यादा माने नहीं रखता है, क्रांतिकारी शरीर को ज्यादा महत्व तो नहीं देते हैं, उनके हृदय में जो भारत माँ की राष्ट्रभक्ति होती है, उनके हृदय में जो माँ के लिए कर्तव्य का भाव होता है, उनके मन में जो भारत के लिए समर्पण का भाव होता है, वो तो उनकी धूल, चरणों की धूल के बराबर भी नहीं होते। सन्यासी हमेशा दिशा दिया है, कभी सोचा है ये आरक्षण देने वालों ने, इन विधर्मी सत्ताधीशों ने जिन्होंने 65 वर्षों तक सत्ता की, कभी सोचा है कि जिस समाज को हम बराबरी पर लाना चाहते हैं, जिस समाज की हम आर्थिक उत्थान चाहते हैं, उस समाज को उन्होंने भिखारी बना दिया। आरक्षण हर व्यक्ति चाहता है, जबकि आरक्षण एक भीख है। हम यदि योग्य हैं तो हम उस स्थान को पाएंगे, और आपको अगर आर्थिक पक्ष से मजबूती लाना है तो आप हमारे जो दलित हैं, वह कोई भी वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं, किसी भी जाति के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन सब हिंदू हैं, और अगर उनके मन में जरा भी राष्ट्र के उत्थान की बात होती तो इस तरह से वो आरक्षण ना देते। समाज के उस वर्ग को जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उस वर्ग को, उस क्रम को ऊपर उठाते और बराबरी पर लाकर उनका स्वाभिमान बढ़ाते।
सबका आरक्षण कर दिया उन्होंने, अंत में महिला बची तो बहुत समय से बिल आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है लेकिन स्थिर नहीं हो रहा है, और वो है महिलाओं के लिए आरक्षण। मैं उसका विरोध करती हूं और उसका कारण है कि महिलाएं किसी आरक्षण की मोहताज नहीं है। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं और वो अपनी योग्यता से बढ़ती हैं। जो अयोग्य क्रम है, जो अयोग्यता रखते हैं, वो अपनी क्षमता को पहचाने और अपने स्थान पर निश्चित रहें। लेकिन आरक्षण से यदि किसी को बढ़ाया जाता है तो उस व्यक्ति को कभी स्वाभिमान से खड़े होने देना नहीं चाहते ये लोग, ये सत्ताधारी जो 65 वर्षों तक जिन्होंने शासन किया, उन्होंने हमारे देश के एक एक भाग को काटने का प्रयास किया। मां को बेटे से अलग कर दो, पिता को पुत्री से अलग कर दो, हिंदुओं में कितने विभाजन हो सकते हैं, उनको उतने विभाजन कर दो तभी वो सत्ता पर रह सकते हैं। वोट की राजनीति के कारण इतने दुष्चक्र चले और अंत में अगर जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने महिलाओं के आरक्षण की बात की और बिल आज तक पास नहीं किया। उसका कारण है कि महिला उनके पक्ष में वोट दे क्योंकि वो उस तरह की बात करते हैं। ऐसे कांग्रेसियों के सत्ता में कभी भी देश का उत्थान निश्चित नहीं था। सनातन धर्म एकता की बात करता है, सनातन धर्म बुद्धि ज्ञान और कर्तव्य के अनुसार उन्हें सेवाओं का अवसर देता है। क्षत्रियों को दिया था कि क्षत्रिय देश की रक्षा का भार संभालेंगे। क्षत्रियों ने देश की रक्षा का भार संभालते 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 आपने देखा होगा जितने भी बड़े युद्ध हुए, राजाओं ने अपनी पीढ़ियों को खो दिया, युवा लोग उसमें समर्पित हो गए, स्त्रियां विधवा हो गई, बहनों के भाई चले गए, पत्नियों के पति चले गए, माओं के पुत्र चले गए और क्षत्रिय वर्ग कभी हतोत्साहित नहीं हुआ। युद्ध के लिए हमेशा गर्दन कटाने के लिए और गर्दन काटने के लिए तत्पर था। बणिक वर्ग जिसके अंदर गुणा भाग होता है वह बणिक वर्ग है, ये उसकी स्वतः होता है, किसी का इंटरेस्ट होता है कि हम गुणा भाग करेंगे, हम इसका हिसाब उसका हिसाब करेंगे। तो जो गुणा भाग करने की बात है, लाभ हानि की बात है, वो बणिक वर्ग है, व्यवसायी वर्ग है, इसमें कोई भेद नहीं है। जो ब्राह्मण कर्म करता है, ब्रह्म कर्म करता है, पूजा पाठ करवाता है, वह ब्राह्मण हो गया। जो सेवा के भाव रखता है, इस सब में कहीं योग्यता नहीं है, जो सेवा का भाव रखता है वो चतुर्थ वर्ग हो गया, शूद्र वर्ग हो गया। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगेगा, बनिया को बनिया कह दो बुरा नहीं लगेगा, ठाकुर को ठाकुर कह दो, हमारे पीछे भी ठाकुर लगा दिया गया है, उसको बुरा नहीं लगेगा, पर शूद्र को शूद्र कह दो तो बुरा क्यों लगेगा। इसका अर्थ है कि विधर्मियों ने जो सत्ता की है उसकी परिभाषा बदल दी। मैंने देखा, मैं छोटी थी, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था, कि जब किसी लड़की का विवाह होता है तो जब तक नाइन और धोबी और मेहतरानी, जब तक ये तीनों वर्ग आकर के, इन तीनों लोग आकर के उनकी स्त्रियां मांग नहीं भर देती थी उस लड़की की, तब तक वो सुहागन नहीं मानी जाती थी। इतना अंदर तक हमारे संस्कारों से बंधे हुए लोग जिनका ये सत्ताधीश खून करने के लिए राजी है, जिनका ये सत्ताधीश अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, इनके मन में वैमनस्यता भर रहे हैं, देश के प्रति भेदभाव पैदा कर दिया और भीम सेना बना दी। ये क्या है भीम सेना, आज तक पता नहीं चला। देश के विरुद्ध जो बोलेगा वो भीम सेना हो गई, देश के विरुद्ध जो बोलेगा वह कांग्रेसी क्यों है, देश के विरुद्ध जो बोलेगा, आज की स्थिति में वही सत्ता में होने वाला व्यक्ति है। कभी जनेऊधारी कर लेना उसका कर्म बन जाता है, कभी चर्च में चला जाता है, कभी कहां चला जाता है, कब वो किसका है पता ही नहीं।
संसद में बैठ करके उन मर्यादाओं का पालन करें जो इस देश के निर्माण, इस देश का संचालन और इस देश के नीति और नीतियों का निर्धारण करने के लिए संसद बनाई गई है। निश्चिंत रहिए, आप अपने कर्तव्य में लगे रहिए, लेकिन भारत पुनः खड़ा होगा अपनी आध्यात्मिक बल के आधार पर। और यही आध्यात्मिक बल होता है कि हेमंत करकरे जैसा व्यक्ति जब राष्ट्रभक्ति को कुचलता है तो आतंकवाद से मरता है। सुना होगा आपने हेमंत करकरे के बारे में, बहुत बड़ा पुलिस का ऑफिसर, देशभक्ति करने वालों को अंदर डालता है। और उसके बाद ये मैं बहुत छोटी थी तब मेरा स्लोगन था कि देशभक्ति को कुचलोगे, देशभक्ति का दमन करोगे तो आतंकवाद से मरोगे। और जब मुझे अंदर 2008 में अंदर डाला, सवा महीने में हेमंत करकरे को पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी कसाब ने गोलियां मारी, आतंकवाद से मरा। सन्यासियों के पास तपस्या का बल होता है, सन्यासियों के पास उनके वचनों का बल होता है। सन्यासियों को तलवार उठाने की, बंदूक चलाने की या बम विस्फोट करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आध्यात्मिक बल के आधार पर देश के लिए काम करते रहते हैं। भटके हुए हैं वो लोग जो समझते हैं कि हम सन्यासियों को अंदर डाल देंगे तो भारत की जो आत्मिक शक्ति है वह समाप्त हो जाएगी, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है कि सन्यासी को अगर तुम अंदर करोगे तो तुम अपना धरातल खोदोगे। और भगवा को अगर आतंकवाद कह दिया तुमने तो तुम्हें पता नहीं ये भगवा क्या है। सूर्य का जब उदय होता है तो जब उदित समय के सूर्य का जो रंग होता है वह भगवा होता है। अगर ये सूर्य तुम्हारी शरीर से इस तेज को खींच लेगा तो तू निस्तेज हो जाएगा, मृत शरीर हो जाएगा। इसलिए भगवा से टकराने का प्रयास ना करे और भगवा को सुरक्षित करने का प्रयास करें, उसको संबल दे, उनको सुरक्षित करें, उनकी किरणों का आह्वान करें, अपने शरीर में तेज और ओज प्राप्त करें और उसके बाद इस भगवा को लहराइए जिससे कि हमारी संतानें तेजस्वी बने। इस भगवा के प्रताप को जब आप अपने घरों में लेकर के जाएंगे, ये भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस भगवा ने अपनी संस्कृति को संभाला है, अब इस भगवा ने अपने देश को संभाला है, इस भगवान ने हमेशा और हमेशा अपने देश को दिशा दी है। इसलिए भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है। और जिन को भगवा आतंकवाद, भगवा में आतंकवाद दिखता है, वो इस देश के कभी संतान नहीं हो सकते, वो इस देश की कभी कर्णधार नहीं हो सकते, वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ देशद्रोही हो सकते हैं। इससे ज्यादा और कोई परिभाषा हमें देने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने, आज जिनके जन्म दिवस पर हम यहाँ उपस्थित हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा फुटबॉल खेलिए। फुटबॉल का अर्थ सीधा सा ये है कि फुटबॉल में बहुत एनर्जी चाहिए, बहुत स्टेमिना चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और जो व्यक्ति फुटबॉल खेल लेगा वह अपने आप में सुदृढ़ बनेगा। इसका अर्थ है आप स्वतंत्रता से अपने शरीर का सौष्ठव कीजिए, आप शारीरिक शक्ति पाइए और शारीरिक शक्ति पाकर के इस देश को संभल दीजिए, इस देश की बागडोर संभालिए, इस देश को मजबूत बनाइए, इस देश को दिशा दीजिए। सन्यासी एक बार नहीं, हजारों हजारों लाखों लाखों वर्ष से चले आ रहे हैं और निरंतर चले आएंगे इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए और समाज की रक्षा के लिए। हमारे यहाँ ऋषि वाल्मीकि हुए हैं जिनको हम पूज्य मानते हैं, उन्होंने भगवान राम की गाथा लिखी है, उनकी यहाँ सीता माता रही हैं, उनकी संतानें वहाँ पैदा हुई हैं, इस राष्ट्र को उन्होंने लव और कुश दिए हैं। हे ऐसे भगवान के स्वरूप इस ऋषि महाराज को हम प्रणाम करते हैं। क्या ये आरक्षण वाले वहां गए थे कि उनसे कहा था कि तुम रामायण लिखो और उसके बाद हम तुम्हें आरक्षण दे देंगे। संत रविदास की शिष्या थी मीराबाई, जो भक्ति में भगवान में लीन थी, क्या उनको भी किसी आरक्षण की आवश्यकता थी? एक क्षत्रिय कुल की बालिका, एक जूते का चर्म का काम करने वाला एक साधु, जिसको मीराबाई ने गुरु बनाया,
और बनाया नहीं जाता गुरु, प्राप्त होते हैं भगवान के द्वारा। इस भगवान की माया को ही आरक्षण देने वाले क्या जाने। ऐसे सामाजिक भाव में, ऐसे समरस होने के विषय में जहां इस प्रकार की बात आती है कि आज हमें सामाजिक समरसता के लिए कार्यक्रम करना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि आप इस कार्य को करिए, तब सामाजिक समरसता लाने का हम प्रयास करेंगे, ये हमारे लिए दुख की बात है। यहाँ प्रबुद्ध जन बैठे हुए, यहाँ मातृशक्ति बैठे हुए है, अपने आप में ये बात मान लीजिए कि जो हमारे अभिन्न अंग है वो है हमारे शोषित जन, पीड़ित जन, दलित जन, जिनको न पढ़ने के लिए अवसर मिले ना मिलते हैं और ना ही खाने के अवसर मिलते हैं, ना ही किसी प्रकार से उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर मिलते हैं। वो शोषित, पीड़ित और दलित लोगों का उत्थान हो, ऐसे कार्य करने के लिए हम सदैव तत्पर रहे। लेकिन विदर्भियों के षड्यंत्रों को सफल ना होने दे, इसका हम भरपूर प्रयत्न करें। समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया, समाज को बांट करके स्त्री और पुरुषों में भेद कर दिया, महिलाओं में, बच्चों में भेद कर दिया, पुत्र और माता में भेद कर दिया, भाई भाई में भेद कर दिया। ऐसे विघटनकारी तत्वों से हमें सावधान रहना है। और ये करते करते वो धरती को बांटने का भी प्रयास करने लगे, इस हमारी भारत माँ के टुकड़े करने का प्रयास करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, धर्मियों जिनकी 65 वर्षों तक सत्ता रही है, ऐसे लोगों ने कहा कि ये कश्मीर तो जमीन का टुकड़ा है, आप दे दीजिए उन्हें, ये कश्मीर जमीन का टुकड़ा लगता है, इसलिए वो देने की बात करते, दे दीजिए पाकिस्तान को, ये रट्टा खत्म कीजिए, ये देशभक्त नहीं हो सकते। और जब हम जेल में गए तो एक आतंकवादी जो विदेश में बैठा है, भारत में डर गया और विदेश में जाकर के बैठा, अपनी सत्ता वहां से चलाता है, ऐसे व्यक्ति ने हमारी सुपारी दे दी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को मार दो, जहां भी मिले मार दो, उसके लिए उसके गैंग पकड़ा गए। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार दोगे तो क्या राष्ट्रभक्ति इस देश से खत्म हो जाएगी, क्रांतिकारी पैदा होने खत्म बंद हो जाएंगे, ये तुम्हारा भ्रम है। हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की भी बात कही जाती है और हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ आनी और जानी माया होती है ये जीवन। हम तो फिर से जन्म लेते हैं, फिर से अपने अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए आते हैं। मैंने जेल में बैठ के इन सब कामों के लिए एक बात कही, ये धरा मेरी माँ है, ये धरा मेरी माँ है, इसे जमीन न कहने दे। मनीष कहाँ है? मनीष जीना है, जीवन का आधार है ये राष्ट्रभक्ति। हम तुम्हें वहां छूने भी नहीं देंगे, हम तुम्हें वहां पहुंचने भी नहीं देंगे। और ऐसे राष्ट्र क्रांतिकारी हमारे यहाँ सीधी में भी हमने बहुत देखे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस राष्ट्र कार्य में लगे हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ। और जो इन्होंने कुत्सित प्रयास किया है कि जितने भी मीसा बंदी थे उनकी ये पेंशन बंद कर देंगे, तो ये तो भिखारी हैं। देश को लूट करके जिन्होंने खजाने भर लिए हैं, वो उन क्रांतिकारियों के, उन राष्ट्रभक्तों का जो बुजुर्ग अवस्था में आकर गए, एक सम्मान करने का किसी सत्ता ने प्रयास किया, किसी राजनीतिक लोगों ने, कुछ लोगों ने प्रयास किया, तो ये विधर्मियों की सत्ता आकर के उनका वो सम्मान भी खींच लेती है। ये क्या राष्ट्रभक्ति करेंगे और ये क्या देश के, देश का शुभ चाहेंगे, ये क्या प्रदेश का शुभ चाहेंगे। इन्होंने वंदे मातरम पर बैन लगाने का प्रयास किया, इन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को रोकने का प्रयास किया, उन्हें नहीं ज्ञान है, अज्ञानी है, संभाल लें अपने आप को, नहीं तो अगर संतों ने एक आवाज में गीत गा दिया तो इनके सर्वनाश हो जाएंगे और इनको, इनका पता नहीं रहेगा कि कहाँ है। सत्ता के लोभ में आकर के, सत्ता के मद में आकर के इंद्र भी अपना सिंहासन खो देते हैं, ये तो चीज क्या है। इसलिए एक ही बात कहेंगे, पुकारता तुम्हें वतन, बांध शीश से कफन, उठो जवान देश के, उठो किसान देश के। किसी भी प्रकार से जब आपका आह्वान हो तो इस राष्ट्र के लिए पीछे मत हटना, जब देश की रक्षा की बात हो आप कभी पीछे मत हटना। कुछ भी हो जाए, यदि देश सुरक्षित है तो ही आप सुरक्षित हैं, यदि देश सुरक्षित है तो ही देवी देवता सुरक्षित हैं, यदि देश सुरक्षित है तो ही संस्कार और संस्कृति सुरक्षित है, यदि देश सुरक्षित है तो ही हमारा धर्म सुरक्षित है, यदि देश सुरक्षित है तो ही हमारे धर्म शास्त्र सुरक्षित है, यदि हमारा देश सुरक्षित है तो ही गुरु
और वृद्ध सुरक्षित है, इसलिए सबको सुरक्षित करना है तो देश को सुरक्षित कर लीजिए। यदि धर्म का पालन करना है तो आध्यात्मिक तौर पर सनातन धर्म में जिए और इस मूल मंत्र को अपने विचारों में समाहित कर लें कि जब देश के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता होती है, भले ही वो हमारा एक वोट एक मत का प्रयोग क्यों न करें, हम उस एक वोट और एक मत का प्रयोग राष्ट्रहित में करेंगे। कभी भी विधर्मियों का साथ नहीं देंगे। इन विधर्मियों को हमें इस धरा से हटाना है, इस धरा से हमें किसी भी प्रकार से विधर्मियों से ये धरा हमें खाली करवाना है। कोई भी हो, हिंदू के रक्त में भी मिश्रित रक्त वाले भी हो सकते हैं और बाकी के जो भी हो, वो आप ज्ञान रखते हैं उन चीजों का, लेकिन इस धरा को हमें सुरक्षित करना है। इस वसुंधरा को हमें पुनः अपने विश्व गुरु के स्थान पर परम वैभव पर अपने राष्ट्र को पहुंचाना है। इस राष्ट्र के संकल्प के इसी संकल्प के साथ मैं आज की भगवा यात्रा को बहुत बहुत आशीष देती हूँ, बहुत बहुत प्रोत्साहन देती हूँ कि मातृशक्ति आगे बढ़े, यहाँ के प्रबुद्ध जन आगे बढ़े, युवा आगे बढ़े और जाकर के जिन विधर्मियों ने भगवा को आतंकी घोषित करने का प्रयास किया है, देश के विरुद्ध षड्यंत्र किया है, उनको दंड दें और भगवा लहरा करके अपने शहर अपने प्रदेश और इस देश को ऊर्जावान बनाए, भगवा मय कर दें और किसी भी प्रकार से देश की दुश्मनों का संहार करने के लिए खड़े हो जाए। जय हिंदू राष्ट्र। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोलो श्री गजानन महाराज की जय, बोले नाथ की जय, अंबे मात की जय, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय, राम भक्त हनुमान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी मात की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय, जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत माता की।